नेक्स्ट मिशन के लिए निकल चुके हैं। चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं। पीछे पुलिस स्टेशन है कोतवाली, और सामने जो दिख रहा है वो पहाड़ी पर है चित्तौड़गढ़ का किला, वहीं पर है विजय स्तंभ। पहुंचते हैं वहां पर। यहां पर है एक बहुत ही अच्छा पार्क, लेकिन इसकी उचित देख रेख नहीं होने की वजह से बहुत ही वीरान और बहुत ही बेजान सा हो चुका है। तो यहाँ पर चल करके देखते हैं। सारी चीज़ें टूट फूट चुकी है और बहुत ही ख़राब हालत में अभी डैमेजिंग हो चुका है पूरा। इसकी उचित देख रेख नहीं होने की वजह से बहुत ही अच्छा जो पार्क था, उस पार्क की बहुत ही ख़राब हालत। तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि किसी भी जो पुरानी चीज़ या फिर कोई पार्क वार्क है तो उसका बहुत ही अच्छे से उसकी रिपेयर मरम्मत और देख रेख होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे से लोग भ्रमण करने आए। किले पर जाने से पहले पूरे मार्केट एरिया से होकर गुजरना पड़ता है। आपको दिख रहा है हमारे पीछे पूरा मार्केट है। गर्मी जो है बहुत ही खतरनाक पड़ रही है। हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं एक शॉप पर, और यहाँ से जो है किला फोर्ट बहुत ही पास में आ चुका है। हम बैठे हैं एक अच्छी जगह पर, बहुत ही कम दूरी पर है अभी ये जो पर्वतमाला है इसके ऊपर है बहुत ही शानदार किला। किले का प्रथम द्वार पार्डन पोल, यहाँ पर किले पर दो रास्ते आ रहे हैं, एक सिटी से मेन और दूसरा बाज़ार सिटी से ही आ रहा है, लेकिन दोनों रास्ते हैं जो एक सकरा रास्ता है और एक चौड़ा रास्ता है। तो ये जो प्रथम जो द्वार है वो है पार्डन पोल, ये जो लिखा हुआ है अंकित पार्डन पोल प्रथम द्वार। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है, इसके अंदर आराम से बस वगैरह भी निकल सकती है, और इस तरफ जो है बहुत ही बड़ी बड़ी दीवार बनी हुई है, ऊंची बहुत ही हाइट तक ऊपर जो दिख रही है वो दीवार बनी हुई। तो प्रथम द्वार आपको बता चुके हैं, अब बढ़ते हैं आगे और दूसरे द्वार की ओर, और फिर पूरे किले का व्यू दिखाते हैं आप। चुके हैं दूसरे दरवाजे की तरफ, यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा है। दूसरे नंबर की जो पोल है वो है भैरव पोल। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे पोल की तरफ, यानी तीसरे दरवाजे की तरफ, पर है श्री कल्ला जी राठौड़ की छतरी बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है। इधर बना हुआ है श्री जयमल राठौड़ जी का मंदिर। दीवार के पास पास में जगह जगह पर ये जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई हुई है, ये बहुत ही भारी जो दीवार है इसके ऊपर तोप को भी ले जाया जा सकता था इधर से उधर। और यहाँ पर सैनिक लग करके यहाँ पर बंदूक से और तोप से शहर की तरफ ये जो छोटे छोटे ना बने हुए हैं स्थान छेद बने हुए, यहाँ से जो
इधर से आने वाली किसी भी सेना को परास्त किया जा सकता था। यहाँ से फायरिंग की जाती थी, तोपें चलाई जाती थी। ये शहर तो अब बसा है, पहले ये मैदान हुआ करता था, युद्ध का मैदान। ये आ चुकी है तीसरी पोल, जिसका नाम है हनुमान पोल। काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है, इसके पास श्री राम जी का, हनुमान जी का छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। चौथा जो दरवाज़ा है वो काफ़ी घुमाव के साथ है, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर मोड़ है। अगर थोड़ा सा भी चुके तो यहाँ पर एक्सीडेंट का भारी खतरा रहता है। देख लीजिए ऑटो को भी कितना चक्कर काट करके जाना पड़ रहा है। और काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, चढ़ने में भी बहुत आनंद आ रहा है। लगता है आपको भी वीडियो को पूरा देखने में बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो जो चैलेंज जब पूरा करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। वो जो चैलेंज है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि हमारा जो चैलेंज है वो क्या चैलेंज है, चित्तौड़ किले के ऊपर ऐसा क्या चैलेंज है जो सबको बहुत ही मतलब प्रभावित करने वाला है, बहुत ही खुश करने वाला है और बहुत ही खतरनाक वाला भी है। तो वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बढ़ते हैं आगे। दरवाज़ा आ चुका है जोड़ला पोल या फिर जोरला पोल, जिसका नाम है, काफ़ी भव्य है ये भी। और सभी के अंदर से वाहन जा सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े इसके ऊपर सरिये लगे हुए ताकि ये जो हाथी वगैरह हैं वो इनको नुकसान ना पहुंचा सकते। पुराने समय में हम अंदर की तरफ आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी काफ़ी मोटी पूरी दीवार चल रही है। यहाँ पर है काफ़ी खतरनाक वाला मोड़, यहाँ पर भी बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। और अगला जो है वो है लक्ष्मण पोल, छठा जो दरवाज़ा है वो है लक्ष्मण पोल। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, काफ़ी खतरनाक मोड़ भी है, बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे दोस्त कहते रहते हैं कि सर आप पैदल क्यों चलते हो, थकान नहीं आती क्या, सर पैसे नहीं है क्या? तो हाँ, पैसे नहीं है पहली बात तो, और दूसरी बात पैदल चलने में जो मज़ा है वो किसी भी चीज़ में नहीं है, गाड़ी में बैठ करके घूमने में नहीं है। पैदल चल के जो ये पुराने ऐतिहासिक स्थल जो हैं, महल है, मंदिर है, जंगल है या फिर कोई किले हैं, तो उनमें पैदल चल करके जो आनंद आता है वो वाहन में घूमने से नहीं आता है। इसीलिए मैं हमेशा पैदल ही निकलता हूँ। और पैदल चलने से दूसरी बात ये है कि शरीर काफ़ी फिट रहता है। वाहन में बैठ करके चलने वाले तो बहुत सारे जा रहे हैं, और बाइक पर भी ऐसे बैठे हुए हैं एक दूसरे को चिपक के कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन हमें आनंद ये आ रहा है कि हम जो है पैदल चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो शहर दिख रहा है, बहुत ही आनंद के क्षण जो है वो किसी को ही नहीं मिल रहे हैं जो बाइक पर जा रहे हैं घूम रहे हैं, सिर्फ हम ही उठा रहे हैं आनंद। तो देखिए यहाँ पर आगे जो है अगला दरवाज़ा, सातवां दरवाज़ा आने वाला है, सातवां दरवाज़ा। ठंडा जल यहाँ पर पीना है। भाई जी गिलास भरो तो ठंडो। भाई जी काफ़ी अच्छा दृश्य, और सामने लगा हुआ है फ्लेक्स विजिट बस्सी।
इस रतन सिंह जी महल में फिर से पहुंचेंगे। ऊपर चढ़ने का जो अंतिम द्वार है वो ये बड़ी पोल है। ये अंतिम पोल है, बहुत ही ऊंचाई से बना हुआ है और यहाँ पर दोनों तरफ जो है बहुत मजबूती कर रखी है। पुराने समय में इसको तोड़ ना दे इसके लिए डबल डबल जो पत्थर है उससे चुनाई की हुई है। अंदर से आकर के देखेंगे आप, आपको काफी इसकी भव्यता दिखेगी। बहुत ही बड़ा जो ये है दरवाजा जो है इस म्यूजियम के अंदर इसी द्वार से जाया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। भारतीय पर्यटक का जो यहाँ पर लगा हुआ है 20 रुपये, विद्यार्थी के 10 रुपये, विदेशी पर्यटक से 100 रुपीज़ एवं विदेशी अगर स्टूडेंट है तो उसके 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। काफ़ी भव्य फतेह प्रकाश म्यूजियम, फतेह प्रकाश महल के अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ पर है टिकट घर, तो वहाँ से होते हुए हम अंदर प्रवेश करेंगे। संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। यहाँ पर है टिकट खिड़की। तो खरीद लिया है हमने टिकट और अब करते हैं अंदर प्रवेश। तो अंदर प्रवेश करते ही हमें जो दिख रहा है वो पूरा चित्तौड़ का जो है वो छोटा नक्शा मैप बना रखा है। ये पहाड़ी के ऊपर मयूर के पंख के नुमा जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो ये मैप बना हुआ है। काफी शानदार अंदर की तस्वीरें। ये फतेह प्रकाश महल को दिखाया गया है, बीचों बीच भामाशाह जी का मूर्ति बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, वो अंदर हम आगे चल के देखेंगे। वो जो अभी हमने उसमें छतरी जो देखी थी वो ये बनी हुई है। फतेह प्रकाश महल के अंदर के प्रांगण के बीचों बीच फुहारा सिस्टम भी था, लेकिन अभी समय के साथ वो भी विलुप्त हो चुका है, यानी कि अभी इसको चालू अवस्था में नहीं है। ये अंदर की तरफ से दिख रहा है। इसके अंदर विभिन्न दुर्गों के जैसे आमेर का किला है, जैसलमेर का किला है, गागरोन का किला और विभिन्न प्रकार के जो किले हैं उनकी जो कलाकृति यहाँ पर बना करके लगा रखी है। यहाँ से दिखाया गया है कि ये प्रथम द्वार, ये दूसरा द्वार, तीसरा, चार, पांच और ये जो किले की जो है पूरी बनावट बना करके दिखाया हुआ है। बहुत सारे जो अंदर प्रदर्शनी वाले हैं उनको लॉक कर दिया गया है, किसी कारणवश उनको दिखाना बंद कर रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि युद्ध करने से पहले अपने मस्तक पर धारण करने के लिए लोहे की जो बख्तर, ताकि किसी तलवार से ना कट सके सिर, सिर पर पहनने का वर्तमान में जो सुरक्षा के लिए हेलमेट पहना जाता है, पूर्व समय में जब युद्ध हुआ करता था तब शिरोस्त्राण हेलमेट, शिरोस्त्राण जो कहा गया है ये पहनते थे। ये चांदी एवं विभिन्न धातु के बने हुए थे जिससे इसके ऊपर कोई आघात नहीं कर सके।
पुराने समय में बारूद भरे जाने वाली बारूददानी हुआ करती थी, इसके अंदर बारूद भरा जाता और इस अग्नि अग्नयास्त्र जो है चमड़े की काफी खतरनाक शस्त्र, दिखने में छोटे हैं पर ये मनुष्य की जान लेने के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार थे। बख्तर ये नया बना करके लगाया हुआ है, पुराने रूप में जो थे वो अंदर बता चुके हैं। ये भाला जान लेने के लिए, सेना की जान लेने के लिए, विरोधियों की जान लेने के लिए पुराने, बहुत पुराने महाराज साहब के टाइम के जो है भाले रखे हुए। यहाँ पर दिख रहे हैं तीर, धनुष के जो तीर हैं वो हैं काफ़ी नुकीले हैं, इनके आगे जहर लगा दिया जाता था जिससे कि ये शत्रु के शरीर के छोटा सा घाव करते ही उसकी मृत्यु हो जाए। अब यहाँ से बाहर आ चुके हैं, अभी अंदर किले में प्रवेश करने के बाद राधा कृष्ण जी का भव्य मंदिर। राधा कृष्ण जी का मंदिर और मीरा मंदिर बहुत ही भव्य रूप में बने हुए हैं। ये प्रांगण में है, पीछे आपको दिख रहा है बहुत ही अच्छे से जो बने हुए हैं और बहुत ही पुरानी जो कारीगरी है ये देखने को मिल रही है आपको। बंदूक और इसको लगाइए ऐसे या फिर इसको चलाने के लिए थोड़ी सी बीच में से डैमेज हो चुकी है लेकिन है ये काम का। बैठे रहे मोबाइल पे लेना पता लो, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। काफी दूरी तय की है, अभी हम किले के ऊपर चल रहे हैं और किला भी काफी लंबाई में फैला हुआ है। 14 किलोमीटर इसकी जो दीवार बताई गई है कि 14 किलोमीटर लंबाई की जो दीवार है उसके अंदर ये फोर्ट पूरा बना हुआ है, किला बना हुआ है। किले के अंदर अलग अलग महल है, पद्मिनी महल है, राणा रतन सिंह जी, कुंभा महल के अंदर विजय स्तंभ। विजय स्तंभ पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं पहले कि उसके ऊपर जाना अलाउ है या नहीं। अगर अलाउ है तो उसकी जो हमने जो चैलेंज किया वो चैलेंज पूरा करने के लिए हम तैयार हैं, पूरी तरीके से हम तैयार हैं जो हमने चैलेंज किया है। यहाँ पर है टिकट खिड़की, टिकट कटवा लें। हाँ सर, टिकट देना सर।
देशभक्त के लिए स्पेशल स्लिप बनी हुई है, देशभक्त के लिए स्लिप बनी हुई है। इस स्लिप से हम जो इस किले पर जो भी जहाँ पे भी टिकट लगता है वहाँ पर अब नहीं लगेगा। ये जो कार्ड है आप देख रहे हैं, इस कार्ड से हम जो देशभक्त हैं उसके लिए सुविधा है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है, क्या लगता है या नहीं लगता।